मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इम्पोर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8। यूनिट थी हमारे पास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड इनऑर्गेनिक 12th क्लास, और आज हम लेक्चर नंबर 9 पे आए हुए हैं। धीरे धीरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए, काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल में आपको बताया है। लेक्चर नंबर 8 बन गए, सोचो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, अभी IUPAC नाम नहीं आया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, लेकिन आज भी स्टार्ट नहीं होगा, आज ही हम बेसिक बातें करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कि कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होते हैं उनके IUPAC नाम कैसे लिखे हैं। तो तैयार हो आप, बुक पेन निकाल लीजिए, अपने आसपास के साइड डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और कंटिन्यू हमको देखते रहिए और सुनते रहिए, लिखते भी रहिए। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। लेक्चर हमारे पास में है 8, लेक्चर हमारे पास में है 8, शायद 9 भी, 9 भी हो सकता है, वैसे 8 ही लेक्चर है हमारे पास में। आज हमारे पास में 12th क्लास बोर्ड प्लस जी नीट। आप जानते हैं कि मैं आपको इतना डिटेल में क्यों कराता हूं, मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस बोर्ड पे नहीं है, हमारा फोकस बोर्ड के साथ साथ जी और नीट पे भी है, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट मेयो को बताने पड़ते हैं, ये कहां से आया, क्यों आया, ताकि आगे आके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप एंड नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम देखने वाले हैं टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं और नेम क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसके पहले कि हम टाइप बताएं आपको और नाम बताएं कैसे लिखे जाते हैं, फार्मूला बताएंगे हालांकि आज, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको, जो कि पहले भी बताया था, आज फिर दोबारा बताऊंगा कि हमारे पास में इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स आएंगे, जैसे K4 Fe CN 6, और ये हमने बंद कर दिया। अब हमसे बोला कि भाई ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब याद रखो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यदि आप इसको पानी में डाल देते हैं। कैसे, आपने एक बीकर लिया, ये बीकर ले लिया, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा के आपने इसमें डाल दिया, ऊपर से आपने पानी डाल दिया, H2O डाल दिया आपने ये, और यहां आपका ये कंपाउंड भी पड़ा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है, ये आयन में ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास में यहां से ये मिलेगा K4, K अलग मिलेगा, K+ मिलेगा, और ये अलग हो जाएगा हमारे पास में ब्रेकड वाला Fe CN6, ये अलग हो जाता है। इसके पहले मैं आपको बताना था सोल्ट
टाइप ऑफ सॉल्ट, लेकिन हम नाम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में टाइप ऑफ सॉल्ट बताएंगे, उसके बाद में आपको बर्नर थ्योरी बताएंगे। ये अलग क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये बर्नर नाम का साइंटिस्ट है, बर्नर थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे। तो बर्नर थ्योरी में ये हमारे पास में आता है, ये क्यों होता है, तो ये हमारे पास में आयंस है। देखो ये क्या है, प्लस आयन है, और इसके ऊपर क्या हुआ आपका, पूरा माइनस आयन हुआ। कितने माइनस आयन हुए, चार, ये हुए माइनस फोर आयन। ये सेम वैसे ही है जैसे हम पढ़ा करते थे स्मॉल सॉल्ट NaCl पढ़ते थे, हम पढ़ते थे Na प्लस और Cl माइनस, याद करो हम KCl पढ़ते थे, हम पढ़ते थे K प्लस Cl माइनस, हाँ MgCl2 पढ़ते थे, यहाँ Mg प्लस होता था Cl2 माइनस, ये तो इस साइड पॉजिटिव वाला पार्ट होता था, याद है ये सारा पॉजिटिव पार्ट, ये सारा पॉजिटिव पार्ट, तो इस साइड वाला हमारे पास कौन सा होता था, नेगेटिव वाला पार्ट। जैसे H2O, तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव पार्ट, ये वाला हमारे पास में नेगेटिव पार्ट। तो इस वाला पार्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाले पार्ट की यदि हम बात करें, तो या ऐसी ये इस प्रकार से इसको बोले कि ये जो होता है ये कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज इस साइड होता है, उस साइड क्या होता है हमारे पास नेगेटिव पार्ट होता है। भाई दो ही पार्ट से मिलकर बना होता है हमारे पास कोई भी कंपाउंड, कोई कॉम्प्लेक्स, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। अच्छा कहां बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे यदि हम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पानी डालें या इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालें, कॉम्प्लेक्स को पानी में डालें, तो हमारे पास में ये के अलग होता था और ये हमारे पास में अलग हो जाते थे, ठीक है। अब हमारे पास में यदि हम बात करें कि इसके ऊपर पानी में डालो, इसको आप पानी में डालो H2O, अब ये वाला कॉम्प्लेक्स उठाया आपने, अलग से लिख देता हूं, जैसे आपने ये उठाया, यहां है आपका Fe, यहां है आपका Cl6, CN था यहां, आप CN हटा के हमने Cl ले लिया, ये जो भी ले लो Cl6 Br6 NH3 6, जो भी आपको लेना है आप ले लो। अब आप बोलो कि इसको मैं पानी में डालू H2O, इसको हमने पानी में डाला, ये ब्रेक नहीं होता है, ये आपका ब्रेक नहीं होता। हाँ यदि आपने बहुत ही कंडीशन चेंज कर दी, हाई टेम्परेचर दे दिया, हाईली एसिडिक या एसिडिक मीडियम दे दिया, तो बात एक अलग है, बाकी ये नॉर्मल कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होता, आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो याद रखना नोटेड पॉइंट है कि जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये कहें कि आयंस में ब्रेक नहीं होता, नॉट ब्रेक इन आयन, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये आयन नहीं है, ये आयन है ही नहीं, तो ब्रेक कहां से होगा, क्यों आयन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ये क्या है आपका, ये आपका है लिगेंड और ये आपका है मेटल, ये आपका है मेटल इस साइड, ये आपका है सेंट्रल मेटल और ये आपका है लिगेंड, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और पानी क्या है आपका, पानी क्या है आपका, पानी आयन है, आयनिक नेचर है पानी में, H2 में आयनिक नेचर है ना, है इसमें कौन सा नेचर है, कोऑर्डिनेट नेचर है, इसलिए ब्रेक नहीं होता है, समझ गए, इसमें आयनिक बॉन्ड है इसलिए पानी इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर को ब्रेक नहीं करेगा। आप सोचो यहां से Cl अलग हो जाए, Fe अलग हो जाए, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉट आयोनिक बॉन्ड। यहां आप ऐसे लिखोगे इसको, ये लिखा आपने Fe, Cl, एक Cl, एक Cl, लिखा कौन सा बॉन्ड है आपके, ये आपके पास है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बात समझ आ रही है, इसलिए हमारे पास में ब्रेक नहीं हो पाता है। हाँ यहां पर हमारे पास में इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन इसमें आयनिक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, देखो K प्लस है, ये पूरा माइनस है, कौन सा बॉन्ड हुआ आपका, आयनिक बॉन्ड हुआ, समझ गए, ये कौन सा बॉन्ड हुआ आपका, आयनिक बॉन्ड हुआ, इसलिए ये हमारे पास ब्रेक हो गया, जबकि ये ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल और देखो, यदि मान लो ये ऐसा नहीं लिखा होता, ये ऐसा नहीं लिखा होता, ये ऐसा लिखा होता, कैसे, Cl इधर हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हमने बोला ब्रेक करो, Cl3 कर लो, 4 कर लो, जो भी करना है Cl3 कर लो, अब इसको आपने ब्रेक किया, करो ब्रेक, क्या होगा, अब हमारे पास में ये होगा कि ये Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, ये फिर आपका अलग हो जाएगा, ये आयंस है, प्लस माइनस ये आयंस है, जबकि ये आयन नहीं है, इसलिए पानी में डिजोल्व करने पर ये वाला अलग हो जाता है। अब भी लिखा था ये वाला भी आपका आयन समय टूट जाएगा, प्लस माइनस से टूट जाएगा, लेकिन यदि इस वाले की बात करें तो ये आयन नहीं टूट पाएगा, ये इतना याद रखना, हालांकि IUPAC नाम में इसका कोई अभी काम नहीं था लेकिन फिर भी आपको बता दिया, इतना याद रखना। हाँ अब जो इंपॉर्टेंट बातें और मैं बताने वाला हूं वो क्या है, वो ये है हमारे पास में कि इनको बोलते क्या है, ये तो मैं आपको पहले भी बता दिया था, कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है और पॉजिटिव काउंटर आयन क्या होता है, नेगेटिव काउंटर आयन क्या होता है, ये बताया था मैंने आपको ना। देखो दो वाला इसको यहां से अभी मैं इतना मिटा देता हूं, इसी कॉम्प्लेक्स से हम बात करते हैं। हमारे पास में है इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ब्रैकेट, याद रखना ये जो ब्रैकेट है
ब्रैकेट से पहला लगा लगाया हमारे पास होता है सेंट्रल मेटल एटम, क्या होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद में जो भी होते हैं वो होते हैं लिगेंड, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जितने भी चाहे वो उतने हो सकते हैं, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है। सेंट्रल मेटल एटम एक ही होगा, ये आपका एक ही होगा, ये आपके पास में इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं है कि 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, नहीं, ज्यादा ज्यादा आपको 6 तक मिलेंगे, और क्या है, कितने मिलेंगे आपको, 6 मिलेंगे लिगेंड, 7 मिलेंगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे नॉर्मली इसमें। तो ये हमारे पास में एक ही होगा, लेकिन सेंट्रल मेटल एक ही होगा आपका। जैसे देखो, अब जैसे ये था हमारे पास, ये देखो ये आपका क्या है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन साइनाइड क्या है, साइनाइड आपका लिगेंड है। कितना साइनाइड है, 6 साइनाइड है, बार बार साइनाइड, फिर साइनाइड, फिर साइनाइड, अलग अलग ना लिख के कितना लिख दिया, 6 टाइम लिख दिया। तो ये हमारे पास 6 क्या है, साइनाइड है। मेटल कितना है, एक है, लेकिन लिगेंड कितना है, 6 है। ये ऐसा भी हो सकता है, कैसे, ये हमारे पास में साइनाइड हो गया 4, एक Cl हो गया, एक हमारे पास में H2 हो गया, ये लो। तो ये हमारे पास दूसरा लिगेंड है, ये हमारे पास तीसरा लिगेंड है। तो सेंटर मेटल तो अभी भी एक ही है, लेकिन लिगेंड हमारे पास में एक से ज्यादा हो सकते हैं, समझ में आया। तो ये जो होता है हमारे पास में बॉक्स, ये जो बॉक्स जो आपको दिखा है, ब्रेकेट जो आपको दिखा है, ये जो ब्रेकेट होता है इसका नाम होता है, इस ब्रेकेट का इसमें नाम होता है, ब्रेकेट को बोलते हैं आप कोऑर्डिनेट स्फीयर। ब्रेकेट को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक जो ब्रेकेट है, और जो ब्रेकेट के अंदर जो लिखा हुआ है लिगेंड और मेटल, लिगेंड और मेटल जिस ब्रेकेट में लिखा हुआ है, ये कहलाता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये इसको एंटिटी भी बोलते हैं, एंटिटी, कोऑर्डिनेट स्फीयर। अब ऐसा भी हो सकता है, कैसे, ये तीन टाइप से हो सकता है हमारे पास में, कैसे, एक तो ऐसे हो सकता है, ये अकेला, इसके ना इस साइड कुछ है ना उस साइड कुछ है, ये ऐसा भी हो सकता है ये, और यहां मान लो आपके पास में केप फुल लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा था अभी एग्जांपल, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ब्रेकेट, और इस साइड हमारे पास में कोई निगेटिव पार्ट लिखा होता है। तो याद रखना, ब्रेकेट के इस साइड, या तो ब्रेकेट ऐसा लिखा हो, कोई टेंशन नहीं, अकेले लिखा हुआ है, इस कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज कौन सा हुआ, न्यूट्रल चार्ज हुआ, देखो कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, इसको बोलते हैं आप न्यूट्रल। हाँ, इस साइड यदि हम यदि बात करें, इसकी बात करें, या एक काम करो, यहां आप Cl लिख सकते हो, ये लो, यहां आप K लिख सकते हो, ये लो, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, Kf लिख दिया, यहां Cl3 लिख दिया, यहां क्या था, यहां यही वाला एग्जांपल ले लो, ये Fe, ये आपके पास में Cn, ये 6 हो गया, न्यूट्रल है, मान लो एक एग्जांपल के रूप में, वैसे तो ये गलत है, यहां माइनस होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला आपको, चलो छोड़ो छोड़ो, यहां ये कुछ तो है, यहां पर कुछ तो है, यहां पर लिगेंड मेटल न्यूट्रल है, यहां पर हमारे पास में अंदर कुछ है, अंदर कुछ है, क्या है वो अभी नहीं बता रहे। इस साइड हमारे पास Cl लिखा हुआ है, जब इस साइड Cl लिखा हुआ है तो इस पे कौन सा चार्ज आया, ध्यान से देखो, ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, कहना का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट स्फीयर के ये वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला जो पार्ट है, यहां पॉजिटिव स्फीयर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन, पॉजिटिव स्फीयर नहीं, सॉरी, पॉजिटिव काउंटर आयन, और इस साइड हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन। अब पॉजिटिव काउंटर आयन और नेगेटिव काउंटर आयन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो आयन्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने लिखा K तो हम जानते हैं K प्लस होता है, हमने लिखा Na तो हम जानते हैं Na प्लस होता है, हमने लिखा लिथियम तो ये प्लस होता है, हमने लिखा Mg तो ये प्लस होता है, हमने लिखा Ca कैल्शियम तो ये हमारे पास प्लस होते हैं, तो ये है हमारे पास पॉजिटिव। और यदि ये पॉजिटिव काउंटर आयन, ये पॉजिटिव हमारे पास में चार्ज वाले एटम्स आयन्स आते हैं तो वो कोऑर्डिनेट स्फीयर के हमेशा इस साइड लिखाया जाएगा, हमेशा इस साइड लेफ्ट में लिखाया जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा देखो, अब यदि हमारे पास में हुआ आयन जैसे माइनस एफ माइनस आई माइनस बी आर माइनस, माइनस हुआ नेगेटिव चार्ज है, जैसे आपके पास में हुआ SO4 माइनस, आपके पास में हुआ CO3 माइनस 2, हुआ कि नहीं, SO3 माइनस 2 PO4 PO4 माइनस 3, ये कैसे हुए आपके, ये हुए आपके नेगेटिव, और जो नेगेटिव होते हैं वो इस साइड लिखाते हैं, जैसे यहां पर देखो Cl के साथ है नेगेटिव, नेगेटिव है तो हमने काउंटर के इस साइड लिखा, K कैसा है पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको इस साइड लिखा। जब ये इस साइड लिखा है, अब जा बहुत ध्यान से देखना, इसको पानी में डालेंगे कि ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, ब्रेक ही नहीं होगा,
अभी अपन ने पढ़ा था ये ब्रेक नहीं होता। हाँ, इसको पानी में डालेंगे ब्रेक होगा, हाँ होगा, क्यों? क्योंकि दो से मिलकर बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, जैसे आपने लिखा है NaCl, यहां कहीं लिखा था NaCl, मिटा दिया हमने, ये आगे वाला पार्ट कौन सा होता है? पॉजिटिव। पीछे वाला पार्ट नेगेटिव। आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। तो जो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन यदि ये आगे लिखा हुआ है तो इसको पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है आपका, ये स्फीयर कैसा है? ये पॉजिटिव स्फीयर है। हाँ, चार्ज नहीं है इसके ऊपर, सो नहीं है, चार्ज सो नहीं है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि इस साइड क्या है, नेगेटिव है। कितना पॉजिटिव है? यदि यहां तीन लगा है तो हम बोलेंगे इसके ऊपर तीन पॉजिटिव है, यहां चार लगा है तो हम बोलेंगे इसके ऊपर चार पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन कुल मिला के ये कैसा हुआ आपका? पॉजिटिव हुआ। अच्छा, ये कैसे हुआ आपका? हम जानते हैं ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा हुआ आपका? नेगेटिव है। तो यहां पर ये काउंटर आयन कैसे हुआ? ये नेगेटिव हुआ। कैसे माना जाएगा आपका? नेगेटिव माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां पर? मेरे को ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। हाँ, ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मैंने टाइप बता दी आपको। अब टाइप के बाद जब हम नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो न्यूट्रल वाले का नाम और पॉजिटिव वाले का नाम, इन दोनों स्फीयर का नाम सेम होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव काउंटर आयन का नाम लिखते हो तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम इसके जैसे नहीं होता, इन दोनों के जैसे नहीं होता, इसका नाम चेंज हो जाता है। इसमें नाम चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, इसके नाम में चेंज नहीं होगा। जैसे फेरम है तो फेरम ही रहेगा, लेकिन यहां पर फेरम का फेरेट हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या लग जाएगा? ATE, चेंज हो जाता, लग जाता ATE। बात समझ में आ रही है? यहां लग जाएगा ATE, नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा। इसलिए हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है, समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव काउंटर आयन क्या होता है, समझ में आ गया। नेगेटिव काउंटर आयन क्या होता है, समझ में आ गया होगा, आ गया। तो टाइप बता दिए मैंने आपको, तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव। अब टाइप के आधार पर हम लिखेंगे नाम। तो नाम लिखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के ऊपर हम काम करेंगे। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब हम इसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं और अब हम लिखते हैं ट्रिक, किसकी? नाम लिखने का तरीका क्या होगा। तो नाम पॉजिटिव वाले का और न्यूट्रल वाले का एक ही नाम रहेगा। इसके नाम में, इसके टाइप में, नाम में नहीं, इसके टाइप में थोड़े टाइप और है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे हमारे पास में आपको देने के लिए कोई एग्जाम्पल है तो तीन टाइप से हो सकते हैं। पहला वो ऐसे दे सकता है कि दो स्फीयर एक साथ हो, ये लो दो स्फीयर आपका एक साथ हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, यहाँ है हमारे पास में PtNH3 4 और यहाँ दिया हुआ है आपको PtCl 4। तो ये पूरा एक ही कंपाउंड है। बोलेगा कि बताइए इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका कैसे नाम लिखोगे आप? अलग अलग नाम है तो हम लिख देंगे। जैसे हमारे पास में ये हुआ, जैसे अब भी लिखा था हमने, क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था K4 Fe CN 6। ये हमने लिखा था, ये नॉर्मल है, ये आसान है, ये आसान है इसका नाम लिखना। नॉर्मली हमको 99% इसी प्रकार से मिलेंगे हमको। या ऐसा मिल सकता है आपका, ये के इधर ना लिख के सीएल इधर हो जाए, यदि पॉजिटिव वाला है तो। इसमें ये स्फीयर कैसा हुआ? पॉजिटिव स्फीयर कैसा हुआ आपका? पॉजिटिव। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट भी है। कैसा पार्ट है? ये है हमारे पास में Fe, यहां है आपके पास में CN 6, यहां आपका CL आ गया, मान लो 3 आ गया। तो अब यहां पर ये स्फीयर कैसा हुआ? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, जब तो ये पॉजिटिव है, सॉरी यहां ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, गलती हो गई, यहां ये आपका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव स्फीयर हुआ। कैसा स्फीयर हुआ आपका? नेगेटिव स्फीयर हुआ। ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये नेगेटिव पार्ट है। एक ऐसा भी हो सकता है आपका, कैसा, कि यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ हो कुछ, जैसे आपने लिख दिया Ni और यहां पर हम लिख देते हैं En, En ट्वाइस लिख दिया हमने, Ni En ट्वाइस। अब यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, न्यूट्रल है, तो अब ये क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल। तो 99% आपको या तो ऐसा मिलेगा, या आपको ऐसा मिलेगा, या आपको ऐसा मिलेगा,
लेकिन 1% में क्या आता है, एक ये टाइप भी आता है जब दो एक साथ दे दी और आपसे बोला बताइए इसका नाम क्या होगा। दूसरा हमारे पास में आता है ब्रिज लिगेंड, उसका नाम है हमारे पास में ब्रिज लिगेंड, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आता है, ब्रिज लिगेंड नहीं, नॉट ब्रिज लिगेंड, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास में आता है कि EN ट्वाइस CO, यहां है NH, यहां है NH, ये हमारे पास में है CO, ये है हमारे पास में EN और ये है हमारे पास में ट्वाइस, ये ब्रिजिंग कंपाउंड कह सकते हो, ब्रिजिंग लिगेंड कह सकते हो, कहना है के लिए कुछ भी कह सकते हो, उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। ब्रिजिंग लिगेंड भी बुक में लिखा मिल सकता है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी बुक में लिखा मिल सकता है। ये ऐसे हमारे पास में इस टाइप का, ये इस टाइप का हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं ब्रिजिंग, इसने ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये हुआ एक टाइप, ये हुआ दूसरा टाइप, और तीसरा ये हुआ एक टाइप। तो तीसरे टाइप में हमारे पास में ये वाला और ये वाला। तो इस प्रकार से जो नाम लिखने के लिए आएगा ये आसान है, आसान तो ये भी है, ये भी इजी है, ये कोई कठिन नहीं है। लेकिन हम इस वाले में इस वाले की और इस वाले की बात करने वाले हैं। तो अब हम जो नाम लिखेंगे, जो हम रूल लिखेंगे, पहले हम इस वाले पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद में जब ये आप अच्छे से सीख जाओगे तो उसके बाद में फिर हम इस वाले को और इस वाले को भी निपटा देंगे। बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात है। जो हमारे पास में नाम लिखोगे आप कंपाउंड्स का, वो एक ट्रिक के द्वारा हम करेंगे। देखो ट्रिक ये है कि जब आप नाम लिखोगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बात करना है हमको। जब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय हमें लेफ्ट टू राइट ही बात करना है। पहले लेफ्ट का नाम लिखेंगे फिर राइट में जाएंगे, धीरे 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 बढ़ते हो जाएंगे, ऐसे ही जाना है हमको। ऐसे पहले यहां जो भी आएगा उसको निपटाना है, फिर दूसरे नंबर पर इसको निपटाना है, तीसरे नंबर पर इधर, चौथे नंबर, ऐसे ऐसे इसी डायरेक्शन में जाना है। ये नहीं है बीच से चालू होगा, ये इधर से ऐसे आने लगे, आहा आहा, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता हमको अपनाना है, लेफ्ट टू राइट हमको जाना है। अच्छा अब यहां पर हमारे पास में जब नाम लिखेंगे तो किसके लिखेंगे हम, स्वाभाविक कॉम्प्लेक्स के लिखेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स के नाम लिखेंगे तो हमारे पास में टाइप मालूम होना चाहिए, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारे पास में तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास में ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स, ये समझ में आ गया, आ गया ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसको मैं यहां दो पार्ट में बांट देता हूं। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लिख दूं यहां पर ये वाला, लिखना उचित रहेगा कि नहीं, चलो लिख ही देते हैं, नीचे यही लिख देते हैं। ये एक हमारे पास में ऐसा होगा, बॉक्स छोटा बनाते हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर, एक कोऑर्डिनेट स्फीयर, तो ये हुआ हमारे पास में। इसके ऊपर हो सकता है ये न्यूट्रल हो सकता है ये आपका न्यूट्रल हो, मतलब कोई चार्ज ना हो। ये हो सकता है ये पॉजिटिव हो, ये हो सकता है पॉजिटिव हो। देखो न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों को मैंने एक साथ लिखा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का नाम एक ही जैसा लिखाता है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट स्फीयर है और इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। कौन सा चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ये न्यूट्रल और पॉजिटिव एक हुआ, एक नेगेटिव दूसरा हुआ। अब देखो नाम लिखने का तरीका, जो हम नाम लिखेंगे वो हमने, देखो ये आपका स्फीयर है, कोऑर्डिनेट स्फीयर है, कोऑर्डिनेट स्फीयर को हो सकता है आपके पास इस साइड कुछ लिखा हो। यदि मान लो इस साइड कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसका हमको नाम लिखना है। तो अब यहां से हमको चालू करना है, क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, तो यहां से चालू करना है। तो यह कहलाता है आउटर स्फीयर, यह है इनर स्फीयर की बाद में बात करेंगे। देखो यह है कोऑर्डिनेट स्फीयर, यह है कोऑर्डिनेट स्फीयर, तो यह आउटर स्फीयर जो बाहर है, यह आउटर स्फीयर है, यह आउटर स्फीयर है, यह इनर स्फीयर है, इनर स्फीयर है, बॉक्स के अंदर वाला इनर स्फीयर है, बॉक्स के बाहर वाला आउटर स्फीयर है। तो सबसे पहले जब हम नाम लिखेंगे तो पॉजिटिव वाले का नाम लिखना है, ये तो आपको मालूम ही है, पॉजिटिव वाले का पहला नाम लिखाया जाता है, बाद में नेगेटिव वाले का नाम लिखाया जाता है। तो पॉजिटिव पार्ट में आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, देखो साथ में मैं इमेज भी लगाऊंगा, उस साइड इमेज लगी होगी आपकी, तो उस साइड जो इमेज लगी है उसमें से भी आप देख के लिख सकते हो, यहां समझ लो, उसमें से देख लेना, लिख लेना, सुनते जाओ,
मेरी सारी वीडियो जो अभी तक आई है आगे भी आएगी, उनमें सब में इमेज लगी रहेगी। बात सही में आ रही है? देखो बच्चों, आउटर स्फेयर के बाद में हमारे पास में अब नाम लिखेंगे हम इसका। एक एग्जांपल मैं आपको साथ में देते ही जाता हूं। देखो, जैसे हमने लिखा यहां पर K4, यहां पर लिखा हमने Fe, यहां पर लिखा है हमने साइनाइड। बहुत ध्यान से समझना, ये लिखा है हमारे पास में साइनाइड, और साइनाइड के पास इसके ऊपर लिखा है माइनस चार्ज नहीं लिखा है, ये अपने आप में नेगेटिव हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे अच्छा पहले इसी का नाम लिखते हैं, रूल है आउटर स्फीयर का पहले नाम लिखो। तो यहां पर आउटर स्फीयर में क्या है? पोटेशियम, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। आउटर स्फीयर में क्या है हमारे पास? पोटेशियम लिखा। अब पोटेशियम कितना है? 4। तो 4 के लिए कायदे में हमको लिखना था टेट्रा, लेकिन हम पोटेशियम आउटर स्फीयर में जो भी एटम है उसके हम संख्या का नाम नहीं लिखते, कितना नंबर है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, उसका नाम नहीं लिखते, सीधा हमने पोटेशियम लिख लिया, काम खत्म हो गया। अब आउटर स्फीयर के बाद में अब हमको चलना है बॉक्स के अंदर, चलना है तो इसका नाम तो हमने लिख लिया, इसको खल्लास कर दिया। अब हमको चलना है बॉक्स का नाम लिखना है। जब हम बॉक्स का नाम लिखेंगे, इस स्फीयर का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम लिखेंगे, तो स्फीयर में हमारे पास दो चीज बातें हैं। पहला तो है सेंट्रल मेटल एटम है, और दूसरा हमारे पास में लिगेंड है। तो अब बात यह आई कि अब हम किसका नाम लिखें? तो अब हमको नाम लिखना है लिगेंड का, लेकिन लिगेंड हमारे पास में यहां पर 6 है, तो अब किसका नाम लिखें? लिगेंड का कि लिगेंड के नंबर का? तो हमको लिखना है लिगेंड के नंबर का। तो अब हमारे पास में आउटर स्फीयर हो गया। आउटर स्फीयर के बाद में यह मैं प्लस लगा देता हूं, आउटर स्फीयर के बाद में हमको जो नाम लिखना है वो लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड। तो आउटर स्फीयर का नाम लिखा पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड कितना नंबर है? 6 के लिए लिखेंगे हम हेक्सा। अब नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास में, यहां पर आपको लिस्ट बना देता हूं, यदि हमारे पास में 2 लगे हुए हैं लिगेंड, तो 2 के लिए हम नाम यूज करेंगे डाई। 3 लगे हुए हैं तो 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई। 4 लगे हुए हैं तो 4 के लिए यूज करेंगे टेक्ट्रा। 5 लगे हुए हैं तो 5 के लिए यूज करेंगे हम पेंटा। 6 लगे हुए हैं तो 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा। 7 लगे हुए हैं तो 7 के लिए हम यूज करेंगे हेप्टा। 8 लगे हुए हैं, 9 लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं, तो उनमें सारे इसी प्रकार से जो अपन ने ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे। बात समझ में आई? डाई, ट्राई, टेक्ट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, समझ रहे हो ना? तो यहां तक, यही तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा इसका भी नहीं आएगा, फिर हमने यहां पर आपको लिख दिया। तो ये हुआ हमारे पास में हेक्सा। अब हमने लिख लिया नंबर ऑफ लिगेंड प्लस, अब क्या लिखें? अब लिखना है नेम ऑफ लिगेंड। अब हमको लिखना है नाम लिगेंड का। अब यहां लिगेंड कौन सा है पहचानो, साइनाइड है, तो हमको साइनाइड का नाम लिखना है। अब साइनाइड के नाम लिखते समय लिगेंड हमारे पास 3 प्रकार से होते हैं, ध्यान से देखो। लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं, पहला पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा नेगेटिव लिगेंड, और तीसरा आपका न्यूट्रल। तो जो पॉजिटिव लिगेंड है, इसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो नाम होगा ना, नाम नो चेंज इन नेम, नेम में कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल वाले का भी नेम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन नेम, नेम में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड लगा हुआ होगा तो हमारे पास में नाम चेंज हो जाएगा। नो चेंज, लेकिन इसमें हो जाएगा आपका चेंज। तो चेंज क्या हो जाएगा? चेंज ये हो जाएगा बच्चों, जैसे हमारे पास में दिया हुआ है Cl- Br- जैसे यहां साइनाइड है तो साइनाइड हमारे पास हुआ माइनस, ये हमारे पास में लिगेंड कहलाते हैं सारे, है ना। एक काम करो, मैं यहां पर समझा रहा हूं ना, मैंने पीछे आपको इमेज लगा दूंगा, इमेज वो सारे लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड की इमेज है। तो क्लोरीन को हम अभी तक इसको बोलते थे क्लोराइड, अभी तक क्या बोलते थे? क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में ये आईडीई है, यदि तो ये आईडीई ना लिख के आईडो ओ लग जाएगा। यदि मान लो कोई नाम है जिसका नाम है एट, तो सल्फाइट, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फेट, एट,
एट, तो इसका नाम हो जाएगा एटो। कुल मिलाकर बात क्या हुई, देखो बच्चों बहुत ध्यान से, यहां ई था, ई को हटा के ओ लगाया, ई को हटा के ओ लगाया, ई को हटा के ओ लगाया, तो इसका नाम है क्लोराइड। तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। इसका नाम है ब्रोमाइड, तो हम ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। इसका नाम है साइनाइड, तो साइनाइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइनाइडो, साइनाइडो, ओ साइनाइडो। हाँ, इसको क्लोराइडो या क्लोरो भी बोलेंगे, ब्रोमाइडो या ब्रोमो भी बोलेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो, क्लोरो। मैंने इमेज लगा दी, आप इमेज में देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में आया नाम, तो अब हमको देखना है, कंफ्यूज हो गए, दोबारा बताऊं, देखो सबसे पहले हमको लिखना है कोऑर्डिनेट स्फीयर के इस साइड वाले का नाम। इस साइड हमारे पास में आउटर स्फीयर कहलाता है, आउटर स्फीयर का नाम पहले लिखना है, हमने लिख लिया, पोटेशियम नाम है, पोटेशियम लिख लिया। इसके लिए डाई ट्राई ट्रेक्ट्रा का यूज नहीं करते हैं, जैसे ये दो लगा हुआ है तो हमारे पास में डाई, तीन लगा हुआ है तो ट्राई, चार लगा हुआ है तो टेक्ट्रा, पांच लगा हुआ है तो पेंटा, इन सब का यूज नहीं किया जाता, इन सब का यूज नहीं करेंगे। हाँ, इनका यूज हम लिगेंड में करेंगे, इसमें होगा इनका यूज, लिगेंड के लिए यूज होगा, आउटर स्फीयर के लिए इनका यूज नहीं होगा, नहीं तो हम यहां टेक्ट्रा लिखते, लेकिन इनके लिए यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दिया, वो समझ जाएगा सामने वाला। हाँ, अब बात करते हैं आउटर स्फीयर के अंदर की, तो अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है सेंट्रल मेटल और आता है हमारे पास में लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल का नाम नहीं लिखेंगे पहले, पहले नाम लिखना है लिगेंड का, यही रूल है आईयूपीएसी वाला, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, यहां आपकी नहीं चलने वाली, हमारी नहीं चलने वाली, यहां उसी की दाल गलने वाली है जो आईयूपीएसी के रूल को फॉलो करेगा, ये फिक्स होता है, फिक्स, कोई चेंज नहीं है, हमारे घर की खेती नहीं है, आपके घर की खेती नहीं है। चलो, तो अब उसमें भी नंबर ऑफ लिगेंड, पहले लिगेंड बताओ कि भाई कितने हैं, उसके बाद में आपको नाम लिखना है। लिख लिया, तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा। क्लियर है, क्लियर कट है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत खूब। अब देखो, अब यदि मान लो बच्चों कि नेम ऑफ लिगेंड हमने इसमें चेंज कर दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मानो क्या, मान लो गलत हो जाएगा, इसमें नाम चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव वाले के नाम चेंज नहीं होंगे, नेगेटिव वाले के ही नाम चेंज होंगे, न्यूट्रल वाले के नाम भी चेंज नहीं होंगे, जो उनके नाम है वही दिया जाएगा। अब जैसे एक बात और है, जैसे हमारे पास में यहां न्यूट्रल में NH3 है, क्या है, NH3 है, अभी तक हम यूज करते थे अमोनिया, अब अमोनिया यूज नहीं करेंगे, हम अमाइन यूज करेंगे, हम H2O, ये न्यूट्रल है, H2O के लिए हम वाटर यूज करते थे, अब यहां वाटर यूज नहीं करेंगे, हाँ एक्वा यूज करेंगे, एक्वा, क्या यूज करेंगे, एक्वा, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से कुछ नाम हैं, वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब चाहे उसको आप अपने आप में चेंज बोल लो, चाहे चेंज मत बोलो, वैसे ये चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ये उनके नाम है, एक्वा, एक्वस मीडियम, जलीय बिलियन, एक्वा, समझ रहे हो ना, एक्वा मतलब जलीय बिलियन, एक्वस मीडियम, तो वहीं से एक्वा आया है, तो नाम चेंज नहीं होगा, एक्वा ही रहेगा, ये नहीं है एक्वा राइडो, एक्वेरो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लियर है। हाँ, यहां क्लोराइड था तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड था ब्रोमाइडो, साइनाइड था साइनाइड, सिर्फ लिगेंड के नाम चेंज हुए, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, नोट लगाओ नोट लगाओ नोट लगाओ, लिगेंड ये क्या है, सारे लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड के नाम चेंज होना होगा, वो भी नेगेटिव लिगेंड, देखो बहुत अच्छे से क्लियर कट करवा दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक तो कंफ्यूज नहीं हो सर, हम तो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन बार 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 आप बोल रहे हो ना, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, अब नहीं बोल रहे हैं, अब नहीं बोल रहे भाई, अब नहीं बोल रहे, ये लो, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत समझदार हो भाई। तो हमने क्या लिखा, पोटेशियम, देखो पोटेशियम लिखा, फिर नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, हेक्सा लिख लिया, नाम चेंज हो जाएगा, साइनाइड था, क्या हो जाएगा, साइनाइडो या साइनो, साइनाइडो या साइनो, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हमारे पास में, अब क्या करें, अब हमारे पास में आता है नेम ऑफ, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अब सेंट्रल मेटल का नाम आएगा। तो सेंट्रल मेटल के नाम हमारे पास दो प्रकार से होते हैं, ये लो, सेंट्रल मेटल का नाम हमारे पास दो प्रकार से होते हैं,
पहला तो हमारे पास में देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर स्फीयर क्या है, जीरो है कि पॉजिटिव है। दूसरा हमको देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहीं हमारे पास नेगेटिव तो नहीं है। यदि हमारे पास में जीरो और पॉजिटिव है तो हमारे पास में नो चेंज इन नेम, नाम में चेंज नहीं होगा किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर देखो क्या है, ये हुआ प्लस तो ये क्या हुआ माइनस, यहां चेंज हो जाएगा। अब यहां एफ ही को आयरन नहीं बोलते, इसका नाम है फेरम, क्या नाम है फेरम, इसका नाम है फेरम, यूएम फेरम। अब यहां फेरम है तो नाम चेंज हो जाएगा, यहां लिखो, यहां देखो, यहां यदि आपके पास में नेगेटिव है तो चेंज नाम, नेम चेंज, नेम किसका, सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा एट एटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है, एट लग जाएगा, क्या लग जाएगा एट लग जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या बचा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हो गया, मिटा दूं इसको, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां से मैंने इसको मिटा दिया, तो इसका नाम, हां नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा, फेरेट लिख दो, फेरेट, फेरम, यूएम हट के क्या लग गया, यूएम अलग हुआ, एटीई लग गया, नाम चेंज हो गया। लेकिन यदि मान लो यही पॉजिटिव होता तो नाम चेंज नहीं होता, नाम चेंज नहीं होता। अब क्या बचा, आखिरी मिटाने वाला था मैं, मिटाया नहीं मैंने, अब क्या होगा आखिरी, अब होगा हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम की। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा दूं यहां से, इसको भी मैं मिटा दूं यहां से, ठीक है, इसको भी मिटा दिया हमने, इसको मिटा दिया, लिख लिया ना। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसके लिए हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी वैलेंसी से, किससे निकालते हैं, प्राइमरी वैलेंसी से। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये देखो, या यही मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूं, ब्रैकेट में लिख दूं मैं, प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम की, ये लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, फार्मूला है हमारे पास में, एक मिनट ना, फार्मूला है हमारे पास में क्या है, x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज बराबर जीरो, कोई चार्ज नहीं है तो, और चार्ज है तो चार्ज, ये हमारे पास फार्मूला था, याद है कि नहीं है, याद है। अब यहां निकालो कितना आएगा, देखो इसको तो मानते हैं सेंट्रल मेटल एटम को मानते हैं एक्स, इसको मान लिया एक्स, प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस वन, कितने हैं चार, एक के पास प्लस वन है, चार लगे हुए हैं, चार लग दिया, प्लस एक सेकंड, प्लस हमारे पास में आया एफी, एफी का नाम नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हम एफी का हमने एक्स माना है, इसको हमने प्लस में ले लिया, इसको हमने एक्स मान लिया, बचा साइनाइड, साइनाइड कितना होता है मोनोडेंटेड वन नेगेटिव चार्ज, तो यहां से आया माइनस वन, कितने साइनाइड है सिक्स है, बराबर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स प्लस फोर माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का टू, उस साइड जाके ये आ गया प्लस का टू। अब एक बात और है, हमको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, जो भी निकल के आए, जो भी निकल के आए उसको हमको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन इन रोमन नंबर, रोमन नंबर में लिखना है। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आया, दो, तो अब हम ऐसे लिखेंगे दो, ये है पूरा आंसर, समझ में आया। देखो एक दो बार आपको कठिनाई लगेगी, दस नंबर लिखने में कठिनाई लगेगी, बीस नाम लिखने में कठिनाई लगेगी, उसका ना आसानी से हो जाएगा। हमसे पूछे इसका नाम क्या है, हम बोलेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो, नेगेटिव चार्ज है इसलिए फेरेट, निकाल लो टू, टू आया, क्लियर है। मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको कराता हूं, ऊपर से इसको मिटा दूं,
यहां करा दूं, एक दो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी लगे हाथ। देखो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, बताना मेरे हाथ में। मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो जैसे यही उठाता हूं दोबारा, ये लिखा मैंने के फोर, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं ए फी। इस बार मैं एच टू की जगह क्या लिखता हूं, सॉरी इस बार मैं साइनाइड की जगह क्या लिखता हूं, सी एल। ये मैंने लिख दिया सी एल, लिख दिया सी एल सिक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फिक्स होता है, एफी का कोऑर्डिनेशन नंबर लिस्ट बनाओ, एफी का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है। इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा ये कैसे लिखाई देगा, ये ऐसे लिखाई देगा, लिखाया जाएगा ये हुआ एफी, एक दो तीन चार पांच छह, सी एन सी एन, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हुए, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुए, छह। देखो गिनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी सिक्स होगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे एफी के लिए फोर एफी, हाँ पास में कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर छह, या कहें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बराबर छह। ये लो एफी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, तो हमारे पास में यहां जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे ही लगते हैं, ये मोनोडेंटेड है, इसलिए हमारे पास में कितना लगा था सिक्स। अब देखो सी ए लिखा, जा इसका नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो, क्या होगा देखो, सबसे पहले तो के नाम आएगा, आउटर स्फीयर है, के नाम पोटेशियम, पोटेशियम। चार के लिए कोई यूज नहीं करते, इसका नाम तो हो गया है ना, मैंने मिटाया, आप मिटाना, आप पेन पर मत काटना, मैंने काटा है। अब हमको लिखना है इसका नाम, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम किस पे, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है सिक्स, मतलब हेक्सा लिगेंड नंबर कितना है छह, और छह के लिए हेक्सा। फिर आता है नाम ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या है सी एल। अब सी एल कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव की न्यूट्रल, नेगेटिव है तो क्लोराइड नाम है, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, ओ लग जाएगा, ओ है ना, यहां लिखा है ना, अब भी लिखा था मैंने आइड, आइड का आइडो, एट का एटो, आइट का आइटो, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, वो क्लोराइडो नहीं, गलती बोल रहा हूं मैं, आइडो एटो और आइटो, यहां क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो हो जाएगा क्लोराइडो, या क्लोरो भी बोलते हैं, क्लोरो लिख दिया। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब बचा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, अब नाम लिखना है सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल कौन है यहां पर एफी। अब यहां एफी का नाम क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इस पर चार्ज कौन सा है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पार्ट हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट इस पर कौन सा हुआ, नेगेटिव। और हम जानते हैं कि नेगेटिव में हमारे पास में नाम चेंज हो जाता है, नाम चेंज होगा और एट लग जाएगा, इसका नाम होता है फेरम, इसका नाम होता है फेरम, एफी को बोलते हैं फेरम, फेरम का हो जाएगा फेरेट, एफी का हो जाएगा फेरेट। अब क्या लिखा हमने, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां कितनी आएगी, अब भी निकाला आपने, कितनी आई टू, ये टू आई, आंसर आ गया, आंसर आ गया, यही तो आंसर है, क्या है पोटेशियम हेक्सा क्लोरो फेरेट सेकंड, बन गई बात, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो फेरेट सेकंड। मान लो यहां पर सीएल ना होकर बी आर होता, बी आर होता, बी आर होता सिक्स, अब क्या होता, यहां हो जाता हेक्सा क्लोरो की जगह हो जाता ब्रोमो, बस यही आंसर है, पोटेशियम हेक्सा ब्रोमो फेरेट सेकंड, आंसर आ गया। यहां पर मान लीजिए आई होता आई सिक्स, तो क्या होता पोटेशियम हेक्सा आयोडो, ब्रोमो की जगह आयोडो फिर फेरेट फिर सेकंड। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना फंडा क्लियर है, हाँ या ना जल्दी बोलो, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो, अब यदि मान लीजिए यहां आई सिक्स ना हो गए, आपके पास में एच टू ओ होता, कितना सिक्स। अब एच टू ओ का नाम क्या होता है, एच टू ओ कैसा लिगेंड है, एच टू ओ हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड है, आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट दी है मैंने, यहां इमेज में लगी हुई है लिस्ट, देखो देखो, आज जानते हो कितनी परेशानी हुई, आज तीन वीडियो बनाई,
पेन ड्राइव में वीडियो नीचे ले गए, नीचे कंप्यूटर में लगाई, कंप्यूटर में थे वायरस, तीन की तीन वीडियो उसने करप्ट कर दी। दोबारा ये वीडियो बना रहे हो भाई साहब, ये एक बार बना चुका हूँ मैं, दोबारा बना रहे हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, बस ये आ जा रहा, भूख लग रही, प्यास लग रही, लेकिन क्या है, आप पढ़ते नहीं हो, छोड़ो छाड़ो, दिल की बातें दिल में है, क्या बोले आपसे। आपके कमेंट्स आते हैं तो बड़ी खुशी होती है यार, आप खुशी भी नहीं दे सकते, मत मत दो भाई, कमेंट्स तो करो अच्छे, नहीं तो बुरे करो, बुरे नहीं तो अच्छे करो, करो तो यार, शेयर नहीं करो, लाइक नहीं करो, डिसलाइक ही मार दो, मारो तो कम से कम पता चले कि हाँ हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, मत सुनो, वही बात है कि अब रहने दो, अब कुछ बोले नहीं, बुरा लग जाएगा आपके, है ना। देखो पोटेशियम हुआ, हेक्सा हुआ, H2O, H2O बोलते हैं एक्वा, एक्वा क्या बोलते हैं, एक्वा। तो पोटेशियम, हेक्सा, एक्वा, फेरेट, बात बन गई। यहां आपके पास में यदि NH3 होता तो भी सिक्स ही होता, NH3 होता सिक्स होता, तो क्या होता हमारे पास में, क्या हो जाता, क्या 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 क्या, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हो सर जी, मैं कुछ सोच तो रहा हूँ, बोलो ना, बोलो बोलो सर जी, क्या सोच रहे हो, कुछ तो बोलो। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं नाम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना क्या होता है कैसे होता है ना, क्लियर है ना, क्लियर है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था, अब आया सही मौका बताने का। देखो मैं सोच रहा हूँ यार कि जब हमारे पास में एक से ज्यादा लिगेंड हो गए तो आप क्या करोगे, ये तो कितने लिगेंड थे, एक, जिससे तुम्हारी हालत पतली हो गई है, अब एक से ज्यादा लिगेंड हो गए तो क्या करोगे, ये लो इसको मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, अरे गया 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 गया, लो ये भी मिटा दिया, ये अरे यार ये सब गड़बड़ हो गया, ये तो प्राइमरी था है ना, इसको मिटा दे थोड़ा अच्छा लगेगा, सुना सुना मेरा सुनी सुनी सुना सुना सुना, यस यस यस, ये हो गया खलास, क्लियर है रे, कुछ तो बोलो रे, कमेंट्स करो रे भैया, कर दो रे लाइक, कर दो रे डिसलाइक ही मार दो, कुछ तो मारो रे, जल्दी से करो जल्दी से, शेयर तो करने से रहे, पढ़ना अड़ना तो ठीक है, शेयर नहीं करेंगे, अरे लाइक ही कर दो, डिसलाइक मार दो, मार दो रे, मार दो कैसा कर रहा है सर, पगला आ गया हो सर तुम तो, है ना। देखो यही 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 रूल है, यही रूल है, और कुछ रूल नहीं है, बस आंसर आ गया, यही रूल है। यहां क्या था, प्राइमरी बैलेंसी, प्राइमरी बैलेंसी, ठीक है, कैसे निकालते हैं, x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज बराबर जीरो, या जो भी चार्ज हो स्फीयर के ऊपर, ये था हमारे पास फार्मूला, ठीक है। अब देखो यार भैयो, भैयो बोला, भैयो बहनों, भाइयों और बहनों, यदि एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो क्या करेंगे, लिखो नाम, लिखो K4, यहां लिखा हुआ है Fe, Fe को छोड़ नहीं रहे हो आप सब, ये साइनाइड, ये Cl, ये Br, ये H2O, ये NH3, 1 2 3 4 5, एक को लिख दे, नहीं लिख रहा है, अच्छा इसको आप 2 कर दो, ये लो 2। अब देखो, अब किसका नाम लिखोगे पहले बबुआ, देखो नोट लगाओ, नोट